21 अगस्त को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन सांप को दूध पिलाने से लेकर नाग देवताओं का कैसे पूजन करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और शंकर दोनों ही प्रसन्न हो जाए, यह हम आपको बताने वाले हैं। नाग देवताओं का पूजन करने से भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए प्रिय है। मान्यता ये भी है कि इस दिन घर की रसोई में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए और रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। नाग हमारे देवता है और नाग पर आधारित यह भूलों के जो पुराण कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अलग मान लें इस बात को, हम पुराणवाद में आते हैं नाग पंचमी के अवसर पर। तो इस भू का जो आधार है, जो भू टिकी हुई है, वह शेष नाग पर टिकी हुई है। और यह पंचमी, यह भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी जो आती है, श्रावण मास की पंचमी तो उसमें आती है, प्रत्येक महीने की दो दो पंचमी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। लेकिन श्रावण मास की जो पंचमी आती है शुक्ल पक्ष की, यह नाग पंचमी के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि नागलोक जो नागलोक है उस नागलोक में ही वह सब जीवित हों, क्योंकि हमें उसको भी पुष्ट करना है। अगर वह पुष्ट नहीं होगा तो वह एक दिन धरती जो है फिर क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, फिर प्रलय हो जाएगा। क्या है, विष, नाग की प्रवृत्ति विष है, तो वह जहरी उगलता रहा है। अब उस जहर को शांत कैसे किया जाए, इसलिए हम दुग्ध पान कराते हैं, इसलिए हम लोग दुग्ध से स्नान कराते हैं। पान तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम नाग का पूजन विशेष रूप से इसलिए करते हैं कि वह जहर जो है मनुष्य, अब जहर इसको हम आध्यात्म में चले जाएं तो मनुष्य के अंदर रूपी जहर है, क्रोध रूपी जहर, ईर्ष्या रूपी जहर, कई प्रकार के जहर से हम भरे हुए हैं। उस जहर को शांत कैसे किया जाए, इसलिए हम वह पूजन करते हैं, इसलिए हम उनको दुग्ध पान। दुग्ध क्या है, श्वेत, कैसा वर्ण है उसका, श्वेत। श्वेत वर्ण क्या है, शांति का प्रतीक है। हमारे मन में भी, हमारे दिलों में भी जो ईर्ष्या रूपी द्वेष, ईर्ष्या रूपी जहर है, क्रोध रूपी जो जहर है, यह जहर शांत हो, इसलिए हम दुग्ध पान कराते हैं। दुग्ध से भगवान नागराज का अभिषेक करवाते हैं, का पूजन करते हैं। तो इसमें जो है एक छोटा सा मंत्र है, नव कुलाय विद्महे विष दंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। वैसे तो वैदिक मंत्र है ये, जो बीज मंत्र है इनका, तो नव कुल, क्योंकि नौ कुल होते हैं नाग के, जैसे हमारे भी कुल हैं, ऐसे नौ कुल नाग हैं। नौ कुल के जो स्वामी हैं वह कौन है, नागराज शेषनाग। विष दंताय, जिनके जिह्वा पर विष भरा हुआ है, जिनके दांतों में, क्योंकि दांतों में उनके जहर है, शरीर पर जहर नहीं है, कंठ तक जहर उनका। तो विष दंताय धीमहि, जो विष को देने वाले, विष को सुनने वाले है ना, ऐसे सर्प का तो हम पूजन कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।